गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. यस, टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर द सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर ऑफ नॉन फिक्शन एंड इट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाई द नॉवेल मैटर्स बाय डी एच लॉरेंस एंड इज गिवन ऑन पेज नंबर 90. और इसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है वी विल डिस्कस इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द मेटाफर द बॉटल ऑफ वाइन रिप्रेजेंट. यस, बॉडी. First option is body. Next is, in what sense is the Bible a great novel? According to author, है ना? हाँ, इसका भी option है. First, A, it is the book of life. Next, answer in 15 to 20 words, इसमें देखिए. What does Lawrence mean by whatever is me, alive is me? इससे क्या मतलब है? Lawrence means to say that his soul along with his life, बॉडी इज़ वॉट ही कॉल्स मी और हिज पर्सनैलिटी. यानी लॉरेंस ये कहना चाहते हैं कि जो सोल है, ठीक है ना, हम हैं जिंदा है क्यों, हम में सोल है, ठीक है ना, और हम एक बॉडी हैं, परंतु उसमें भी बॉडी में भी जो मेरा एक एक अंग है, इट्स मी, है ना. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लॉरेंस वॉट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लिविंग. The exact meaning of living is that you live without following a pattern of living, like a character of a novel. उनका यही मतलब है और उनका यही कहना है कि जब तक आप नावल के कैरेक्टर की जैसे नहीं जीते हैं, योर लाइफ इज वर्थलेस, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वॉट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ वाई द नावल मैटर्स. द सेंट्रल आइडिया ऑफ that the novel makes man live and it is superior to other fields of study. ठीक है ना, कि जितने भी स्टडी की फील्ड देख लीजिए आप लोग, सबसे ऊपर जो है उसने किसको दर्जा दिया है, नॉवल रीडिंग को दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर वॉट पर्पज डज द राइटर यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेमुलेशन. द राइटर सेज दैट आवर आइडियाज आर ट्रेमुलेशंस अपॉन अदर एंड दे गिव. यानी हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं ना, बताया था मैंने आपको, मैन अलाइव, ठीक है ना, पॉजिटिव एनर्जी हम में है तो वो दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, इट मीन्स हमने उसको अफेक्ट कर दिया है. अ मैन अलाइव बट लेस इम्पॉर्टेंट दैन हिम. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन पार्ट 3, 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं. इसमें देखिए, What is a, why is a novelist different from a philosopher, a scientist or a stupid person? इसने क्यों अलग बोला है? A novelist is different from a philosopher, a scientist and a stupid person because he is alive and deals with alive characters in the novel while a philosopher talks about soul. ये मैंने आपको बताया था कि भाई कौन किसके बारे में क्या बात करता है. साइंटिस्ट होता तो हमेशा वो मूर्खता की बात है उसके लिए, अकॉर्डिंग टू लेखक ना. और इसके बाद है जो अलाइव करेक्टर्स की, जो है फिलोसोफर होता है वो हमेशा जो सोल की बात करता है एंड गॉड, बट इग्नोर्स हिज बॉडी, अपनी बॉडी को इग्नोर करता है, विच इज़ अलाइव, जो कि एक जीवंत है. साइंटिस्ट स्टडीज द डेड ऑब्जेक्ट्स एंड ए स्टूपिड पर्सन ट्रस्ट अ फिलोसोफर एंड ए साइंटिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द आइडिया ऑफ लॉरेंस अबाउट द बाइबल. एज द नावल इज द बुक ऑफ लाइफ, द बाइबल टू इज अ नावल बट अ ग्रेट कन्फ्यूज नावल. इट इज अबाउट गॉड बट इन फैक्ट इट इज अबाउट मैन अलाइव. द कैरेक्टर्स ऑफ द बाइबल लाइक जीसस क्राइस्ट, एडम, ईव, सारे, अब्राहम एटसेट्रा आर बट मैन अलाइव. इवन द लॉर्ड इज अनदर मैन अलाइव. इसने क्या, वो भी तो जीवंत कैरेक्टर थे, ठीक है ना, उसने उसको भी माना, बट जो है उसमें जो है इसने इसको प्रायोरिटी नहीं दी, बाइबल को जो है एक लाइफ बुक की प्रायोरिटी नहीं दी है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन लाइफ एंड फिक्शन. लाइफ और फिक्शन में क्या सिमिलरिटी. अ फिक्शन और ए नावल डील्स विद द मैन अलाइव. अ रीडर इज इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टर्स ऑफ ए नावल बिकॉज दे आर अलाइव, और इन अदर वर्ड्स दे आर लाइफ लाइक एंड दे आर ऑलवेज चेंजिंग. इफ दे स्टॉप चेंजिंग दे सीज टू बी अलाइव. सिमिलरली अवर लाइफ टू शुड वन चेंजिंग टू रिमेन अलाइव. नाउ लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नॉवल एंड इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी इम्पॉर्टेंट.
First is, a novel has the following characteristics. First is, a novel is the book of life. It deals with man alive. Its character must be alive. Its character should be lifelike. Its character must be kept changing to sustain the interest of readers. And last is, its character stop changing, they cease to be interesting. Okay? So students, it is all about the chapter. Thank you and have a nice day.